हाय दोस्तों, कैसे हो? आज है मेरे साथ Xiaomi का 11T Pro, जो कि इस साल का इनका फ्लैगशिप फोन है। इसका हमें काफी टाइम से इंतजार था, तो आज हमारे पास फाइनली आ चुका है और हम इसको आज की स्पीड टेस्ट में कंपेयर करने वाले हैं OnePlus 9RT और iQOO 9 से, जो कि तीनों ही फोन ऑलमोस्ट सेम ब्रैकेट में आते हैं। अब यहाँ पर आपको Xiaomi 11T Pro में Snapdragon 888 चिपसेट देखने को मिलता है, which is the exactly same as OnePlus 9RT, but यहाँ पर iQOO 9 में आपको Snapdragon 888 Plus चिपसेट देखने को मिलता है। तो देखते हैं ये तीनों फोन्स जो कि सेम प्राइस के आसपास हैं, इन तीनों फोन्स में से सबसे ज़्यादा फास्ट आज की स्पीड टेस्ट में कौन सा फोन निकल के आता है, स्टार्टिंग विद द बूट लोड टाइम। तो यहां पर हमने बूट लोड स्टार्ट कर दिया, देखते हैं कौन सा फोन सबसे पहले टर्न ऑन हो जाता है। तो यहां पर अभी थोड़ा सा OnePlus आगे चलता हुआ, बट यहां पर हमने नोटिस किया कि Xiaomi 11T Pro तीनों फोन्स में से सबसे पहले हो जाता है, बट यहां पर जो OnePlus 9RT है और जो iQOO 9 है, ये दोनों ऑलमोस्ट आसपास सेम टाइम पर ही लोड होते हैं। तो गाइस, आगे का स्पीड टेस्ट करने से पहले एक बार यहाँ पर आप देखें तो मैंने तीनों ही फोन्स को सेम वाईफाई पर कनेक्ट कर दिया है। तीनों फोन्स में मैंने ब्राइटनेस को एकदम फुल कर दिया, ऑटो ब्राइटनेस ऑफ कर दिया है, इवन डार्क मोड भी ऑफ कर दिया है। तो ऑलमोस्ट तीनों फोन्स की जो सेटिंग्स है एकदम सेम है। अब यहाँ पर एक और चीज़ नोट करें कि आजकल के फोन्स में आपको हाई परफॉर्मेंस मोड या मॉन्स्टर मोड देखने को मिलता है, तो मैंने सोचा क्यों ना स्पीड टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार इसको भी टर्न ऑन कर ले। तो यहाँ पर मैंने बैटरी सेटिंग्स में जाके Xiaomi 11T Pro में हाई परफॉर्मेंस मोड को टर्न ऑन कर दिया है, यहाँ पर OnePlus 9RT में मैंने हाई परफॉर्मेंस मोड को टर्न ऑन कर दिया है, और साथ ही में यहाँ पर iQOO 9 में मैंने मॉन्स्टर मोड को टर्न ऑन कर दिया है। तो अब जो है तीनों फोन्स अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस ऑफर करेंगे, तो देखते हैं अब कैसा स्पीड टेस्ट रहता है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो मैंने ऑलमोस्ट 25 से 30 वो वाली ऐप्स डाउनलोड करके रखी हैं, जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बैक टू बैक यूज़ करते हैं आप, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि अगर आप इन तीनों फोन्स में से कोई भी एक फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा फास्ट होने वाला है डेली लाइफ यूजेज में। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे डायलर ऐप से तीनों ही फोन्स में, और बाकी सारी ऐप्स को वन बाय वन करके ओपन करके देखेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा Xiaomi 11T Pro में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, देन iQOO 9 एंड देन OnePlus 9RT। अब आगे चलते हैं मैसेजिंग ऐप की तरफ। अब यहाँ पर जो मैसेजिंग ऐप है वो मैंने देखा iQOO 9 में सबसे ज़्यादा फास्ट खुल जाता है, उसके बाद Xiaomi 11T Pro में एंड देन OnePlus 9RT में। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर क्रोम को लोड करके देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग जितने भी ब्राउजिंग करते हो मोबाइल में वो आप क्रोम ब्राउजर में ही करते होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा iQOO 9 में सबसे फास्ट लोड होता है गूगल क्रोम, जो कि थोड़ा सा हैवी होता है, यहाँ पर कुकीज़ हमेशा बैकग्राउंड में अवेलेबल रहती हैं, बैकग्राउंड ऐप डेटा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद मैंने देखा OnePlus 9RT एंड 11T Pro में ऑलमोस्ट आसपास ही रहता है। तो क्या अभी से ही डिफरेंस दिखना शुरू हो गया Snapdragon 888 Plus और Snapdragon 888 में? तो अब यहाँ पर कैमरा ऐप को लोड करके देखते हैं, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा हैवी ऐप है, तो देखते हैं कौन सा फ़ोन सबसे पहले लोड करेगा। तो यहाँ पे 11T Pro में सबसे पहले लोड हो जाती है कैमरा ऐप, फॉलोड बाय iQOO 9 एंड देन OnePlus 9RT। अगर वैसे कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो स्क्रीन पर आप कैमरा स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे कैमरा आपको तीनों फोन्स में देखने को मिल जाते हैं। तो हम इसके लिए डेडिकेटेड एक कैमरा कंपैरिजन भी ज़रूर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर यू दैट रेड सब्सक्राइब बटन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पर आपको मार्केट में जो भी नए फोन्स आते हैं उसके बारे में सारा ज्ञान मिल जाएगा। तो अब देखते हैं कि गैलरी सबसे पहले किस फोन में लोड होती है। तो यहाँ पर गैलरी लोड करने में भी हमने देखा कि कुछ सिमिलर रिजल्ट था, 11T Pro में सबसे पहले लोड हो जाती है, फॉलोड बाय OnePlus 9RT एंड देन iQOO 9। अब आगे चलते हैं बैक टू बैक, आप देखते जाओ स्क्रीन पर अपनी आंखें गड़ा के कि कौन सी ऐप कितनी फास्ट लोड हो रही है कौन से फोन में।
तो यहाँ पर ऑलरेडी देख सकते हैं कि आपके रिजल्ट्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गए हैं। कभी आईक्यू 9 पीछे रह जाता है तो कभी 11T प्रो 9RT से भी पीछे रह जाता है, एंड कई बार तो 11T प्रो इन दोनों ही फोन्स को पीछे छोड़ देता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं और ऐप की हैवीनेस के हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं अभी तक बात करूँ तो 11T प्रो भी सबसे आगे चल रहा है, ज़्यादा ऐप्स लोड करी नहीं है हमने, तो अभी यहाँ पर 5-7 ऐप्स और ओपन करके देखते हैं ताकि रिजल्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस वाली ऐप में मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है, 9RT में काफ़ी फास्ट लोड हो जाता है। और यहाँ पर आपने देखा कि OnePlus 9RT सबसे पीछे रह गया, तो रिजल्ट्स काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार आ रहे हैं अभी तक। तो यहाँ पर अब हमने सोचा कि सारी ऐप्स खोल के देख रहे थे, एक बार कैशिफाई ऐप भी लोड करके देख लें। तो OnePlus 9RT में सबसे पहले देन आईक्यू 9 और एंड में Xiaomi 11T Pro में लोड होती है। बाकी आप एक बार देख सकते हो यहाँ पर जिस फोन में हमने खोली है उसका प्राइस भी दिख रहा है कि आप 9RT और 11T Pro कैशिफाई पर सेल कर सकते हैं। अब आगे का स्पीड टेस्ट करने से पहले मैंने सोचा एक बार तीनों ही फोन्स में Geekbench ऐप को भी रन करके देख लेते हैं ताकि पता चल जाए कि तीनों फोन्स में से सबसे फास्ट Geekbench रिजल्ट्स किस में निकल के आते हैं। तो यहाँ पर अभी इनिशियल फेज ऑफ Geekbench टेस्ट में आप नोट कर सकते हैं कि आईक्यू 9 और OnePlus 9RT में ऑलमोस्ट साइड बाय साइड टेस्ट रन हो रहा है, 27% 30% तक हो चुका है। वहीं यहाँ पर Xiaomi 11T Pro में अराउंड 23% हुआ है, तो Xiaomi 11T Pro अभी तक इन तीनों फोन्स में से सबसे पीछे है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आईक्यू 9 और OnePlus 9RT में ऑलरेडी Geekbench स्कोर रिजल्ट्स आ चुके हैं, बट 11T Pro में अभी भी प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पर अगर साइड बाय साइड Geekbench स्कोर्स को भी देखें तो Snapdragon 888 प्लस की वजह से आईक्यू 9 का स्कोर सबसे अच्छा निकल के आता है, फॉलोड बाय OnePlus 9RT एंड देन Xiaomi 11T Pro। अब Xiaomi 11T Pro और OnePlus 9RT में दोनों में ही सेम प्रोसेसर है Snapdragon 888, बट यहाँ पर इनिशियल टेस्टिंग में दोनों में रिजल्ट्स अलग निकल के आए हैं, तो ये थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है, बट कोई बात नहीं, हमारा स्पीड टेस्ट चल रहा है तो हम आगे चलते हैं और यहाँ पर थोड़े से OTT ऐप्स लोड करके देखते हैं जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, स्टार्टिंग विद प्राइम वीडियो। तो हॉटस्टार देखा आपने कि OnePlus 9RT में सबसे पहले लोड हो जाता है, देन 11T Pro एंड देन आईक्यू 9। तो यहाँ पर रिजल्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। तो हमने देखा कि कुछ ऐप्स 9RT में काफ़ी जल्दी लोड हो जाती हैं बट कुछ ऐप्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 11T Pro में अटक गया पूरा मामला, तो सबसे एंड में 11T Pro में लोड होता है Netflix। कई ऐप्स में तो बिल्कुल विजिबल डिफरेंस पता चल जाता है कि सबसे पहले 9RT में लोड हुआ, देन आईक्यू 9 में, देन यहाँ पर आपका Xiaomi 11T Pro में। अब आगे चलते हैं एक बार Gmail लोड करके देखते हैं क्योंकि Gmail ऑलमोस्ट काफी ज्यादा फिल्ड रहता है। तो यहाँ पर Gmail ऑलमोस्ट तीनों ही फोन्स में एग्जैक्ट सेम टाइम पर लोड हो जाता है। तो अब यहाँ पर बारी आ गई है वो लास्ट 4 ऐप्स लोड करने की जो कि काफ़ी ग्राफिक हैवी होती है। तो देखते हैं कि सबसे पहले सबवे सर्फ तीनों फोन्स में से कौन सबसे पहले लोड करता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर डिफरेंस ही देखने को मिलता है तीनों में, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो इनके गेम लॉन्चर्स हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं। तीनों ही फोन्स में ग्राफिक्स आप देख सकते हैं काफी बढ़िया निकल के आ रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा गेम प्ले भी करके देख ही लेते हैं। तो
तो अब यहाँ पर इस फोल्ड 9 को लोड कर रहे हैं, देख सकते हैं आप दोबारा कि तीनों फोन्स के गेमिंग असिस्टेंट्स ऑन हो जाते हैं जैसे ही कोई भी गेम लोड करते हैं। काफ़ी ग्राफिक हैवी गेम है तो ऑब्वियसली यहाँ पर लोड होने में अच्छा खासा टाइम लगता है, इवन दो वो एक फ्लैगशिप फ़ोन क्यों ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप iQOO 9 तीनों फोन्स में से जीत चुका है, फॉलोड बाय Xiaomi 11T Pro एंड OnePlus 9RT में अभी भी लोड नहीं हुआ है। एंड एट द एंड यहाँ पर OnePlus 9RT में भी ये लोड हो चुका है। तो यहाँ पर iQOO 9 में आप देख सकते हैं सबसे फास्ट चलती है, गेम लोडिंग बहुत ही फास्ट है, बट OnePlus 9RT में सबसे स्लो है, मतलब 11T Pro में भी 9RT से बेटर गेम लोड है। एक बार मैं आपको नेक्स्ट वाली गेम में तीनों के गेमिंग असिस्टेंट्स भी दिखा दूंगा कि कैसे कैसे दिखते हैं, बट अगर यहाँ पर अभी गेम लोड टाइम की बात करें तो कुछ रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं है। तो फाइनली यहाँ पर हमारी एक लास्ट गेम को भी लोड करके देख लेते हैं जो कि अगेन काफी ज्यादा ग्राफिक हैवी है, विच इज द कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। तीनों ही फोन्स में ऑलमोस्ट सेम टाइम पर लोड हो जाती है, अब बाकी आगे का तो प्रोसेस चलता ही रहेगा। तो यहां पर जो लोडिंग का प्रोसेस है वो 11T Pro में सबसे पहले खत्म होता है, देन iQOO 9 एंड देन OnePlus 9RT। सो गाइस दैट वाज अबाउट द इनिशियल स्पीड टेस्ट। यहां पर 11T Pro अभी रिसेंटली आया है हमारे पास, तो हमने देखा कि काफी ज्यादा फास्ट है, इवन दो Snapdragon 888 है यहाँ पर, विच इज नॉट द बेस्ट इफ आई कंपेयर इट टू Snapdragon 888 प्लस जो कि यहाँ पर आपको iQOO 9 में देखने को मिलता है, बट ये स्टिल काफी ज्यादा फास्ट निकल के आया। काफी सारी एप्स लोड करने के वक्त ये iQOO 9 और OnePlus 9RT को पीछे छोड़ देता है। अब कई लोग यहाँ पर स्पीड जो है वो रिफ्रेश रेट से भी जज करते हैं जो कि डिस्प्ले पे आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको तीनों ही फोन्स में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, और आप देख सकते हैं तीनों ही फोन्स काफी फास्ट है, बट मुझे सबसे ज्यादा फास्ट तीनों फोन्स में से iQOO 9 लगा। बट अगर मैं डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको iQOO 9 में देखने को मिलती है एक 10 बिट की AMOLED डिस्प्ले, एंड सेम आपको यहाँ पर Xiaomi 11T Pro में भी देखने को मिल जाती है जो कि एक काफी बढ़िया प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड OnePlus की तरफ से फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल अगर यहाँ पर मैं स्पीड टेस्ट के रिजल्ट्स की बात करूँ तो तीनों ही फोन्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, ऐसा मुझे कहीं भी नहीं लगा कि कोई एक फ़ोन पीछे रह गया हो दूसरे फ़ोन से, क्योंकि तीनों ही फोन्स में आपको फ्लैगशिप लेवल के प्रोसेसर्स देखने को मिलते हैं। सो गाइज दिस वॉज आर इनिशियल स्पीड टेस्ट, आपको हमारा आज का स्पीड टेस्ट कैसा लगा मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ ये भी बताएं कि तीनों फोन्स में से आपको इनिशियली सबसे ज़्यादा बढ़िया कौन सा लगा, क्योंकि हम और भी काफ़ी सारी वीडियोस लेके आने वाले हैं तो ये पता लग ही जाएगा कि तीनों फोन्स में से एकदम बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर मेरी नहीं मान रहे हो तो सुनो अपने फेवरेट राजकुमार राव की आवाज़ में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।